Sí. सबको जी सबको जय यीशु, जय यीशु मसीह में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार आज के दिन इस रात में संध्या समय प्रभु की स्तुति आराधना वंदना करने के लिए प्रार्थना करने के लिए मैं आप सबका इस प्रार्थना में, इस ऑनलाइन प्रार्थना में आपका स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करने जा रहे हैं, अपने मकसदों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। तो प्रिय भाई और बहनों, आइए, प्रभु का वचन हमें बताता है कि प्रभु के पास आओ और वो आपके पास आएगा। तो आइए इस समय प्रभु के पास सभी लोग आ जाइए, प्रभु से जुड़ जाइए, प्रभु में गहरे होइए, प्रभु के साथ अपना रिश्ता जोड़िए। क्योंकि जब प्रभु के साथ हमारा रिश्ता जुड़ा है, तब हम प्रभु के साथ अपना घनिष्ठ संबंध रखते हुए जो कुछ भी उससे मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी पुकार को सुन लेगा। प्रिय भाई और बहनों, इस प्रार्थना में मैं आप सबके लिए, आपके द्वारा भेजे हुए निवेदन, प्रार्थनाओं के लिए जो आप इस समय हमें देख रहे हैं, मैं आप सबके लिए, मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना करूँगा। प्रभु ज़रूर आज के दिन आपकी परिस्थिति को बदलेंगे और आपके जो मन के भाव विचार हैं उनके अनुसार प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे और प्रार्थना करेंगे। विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे जिन लोगों ने प्रार्थना करने का निवेदन दिया है। कई लोगों ने प्रार्थना भेजी है आज के दिन प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना करेंगे समीता निर्मल के लिए, जो महाराष्ट्र से हैं। परिवार में शांति आने के लिए प्रार्थना मांगी है, और उनका बेटा और जो है पीता है, नशा करता है, उन्होंने प्रार्थना मांगी है कि प्रभु उनके बेटे को इस नशे से छुटकारा दे और पूरे घर में प्रेम शांति एकता बनी रहे, पूरा परिवार प्रार्थनामय परिवार हो। उन्होंने अपने पति संजय निर्मल के लिए भी प्रार्थना मांगी है कि प्रभु उन्हें आशीष दे। प्रार्थना करेंगे सोहन दास, जो छत्तीसगढ़ से हैं, उन्हें काफ़ी लंबे समय से बवासीर की समस्या है, ऑपरेशन कराया उसके बाद भी आराम नहीं है। प्रार्थना करेंगे प्रभु आज के दिन उन्हें छुए और स्पर्श करें। मनीष के लिए प्रार्थना करेंगे, जो 2-3 साल से उनके पैर में सूजन है, ठीक नहीं हो रही है, प्रभु उन्हें चंगाई दे। प्रार्थना करेंगे जय श्री उपाड़े, जो महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने अपनी मम्मी के कर्ज से छुटकारे के लिए प्रार्थना मांगी है, और उन्होंने अपनी बहन अश्वनी के लिए प्रार्थना मांगी है उनकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। उन दोनों पति पत्नी के बीच प्रेम आए, शांति आए, दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा जीवन जी सकें। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी नानी के लिए भी प्रार्थना मांगी है, उनकी नानी की रीढ़ की हड्डी में समस्या है, आज के दिन प्रभु उनकी नानी को स्पर्श करें और चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करेंगे दिनेश, जो कोलकाता से हैं, उनके कारोबार में प्रभु आशीष दे, उन्होंने प्रार्थना मांगी है। अशोक, जो मुंबई से हैं, उन्होंने अपनी पत्नी सुकंतला के लिए प्रार्थना मांगी है, उनके शरीर में सूजन है, छाती में सूजन है, पेट में प्रॉब्लम है और उनका काम ठीक से नहीं चल रहा। प्रभु इनके परिवार को और इनकी पत्नी को आज के दिन इस प्रार्थना में छुए और आशीष दे, चंगाई दे। प्रार्थना करेंगे सरस्वती, जो बिजनौर यूपी से हैं, उनके शरीर का आधा हिस्सा काम नहीं करता, किसी का सहारा लेकर उन्हें चलना पड़ता है, प्रभु उनके शरीर को बल प्रदान करें और चलने में मदद करें। प्रार्थना करेंगे रमनप्रीत कौर के लिए, जो उत्तराखंड से हैं, उनके शरीर में अंदरूनी समस्या है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे आज के दिन। सिमरजीत कौर के लिए प्रार्थना करेंगे, जो उत्तराखंड से हैं, उन्हें 12 साल हो चुके हैं शादी के लिए,
प्रभु उन्हें एक बच्चे का वरदान दे और उन्हें आशीष दे, सारे बंधनों को खोले और परिवार में बच्चे का वरदान आए। बलविंदर सिंह जो उत्तराखंड से हैं, उन्होंने प्रार्थना मांगी है, जो गलत रिश्ते के चक्कर में पड़े हुए हैं, अपने ही बच्चे परिवार को जो धोखे में रख कर जीवन जी रहे हैं, प्रभु उनके जीवन को बदले और आशीष दे, चंगाई दे। तो प्रिय भाई और बहनों, इन सभी मतलबों के लिए हम आज प्रभु ईश्वर से, पिता से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु पिता इनके जीवन में कार्य करें, इन्हें चंगाई दे, इन्हें आशीष दे, और आप सबको भी प्रभु आज के दिन छुए, आपकी भी मन्नतों को, मनोकामनाओं को प्रभु पूरा करें। तो आइए इस समय हम गीत को गाते हुए, ताली बजाते हुए प्रभु की कुछ देर स्तुति करेंगे। मस्त से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे
मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो, लहू से मुझे धो दे। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा।
फरा तेरी बातों में, तेरे ही जीते बातों में, तसल्ली तेरी बातों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही जीते बातों में, तेरे ही जीते हाथों में, चलता रहूं तेरी राह पर मेरे खुदा। सभी लोग कहें प्रभु मैं तेरी राहों पर चलता रहूं, तेरी राहों पर चलता रहूं, मेरे खुदा मेरे खुदा, चलता रहूं मेरे खुदा, कहें मेरे खुदा, मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा चलना सिखाए तेरा लहू मेरे पाप मिटाए, तेरा वचन मुझे चलना सिखाए, तेरा लहू मेरे पाप मिटाए, तेरा लहू मेरे पाप मिटाए, चलना सिखाए तेरा लहू मेरे पाप मिटाए। बंद दुआ खुदा बंदिया दिल की गहराई से,
गया दिल की गहराई से बदल गया विश्वास के साथ सहारा मेरा तू ही है सहारा मेरा तू ही है सहारा मेरा तू ही है मुझे भर दे तो लहू से मुझे धो दे तो मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा तसल्ली तेरी बातों में तसल्ली तेरी बातों में तसल्ली तेरी बातों हाथों में नहीं करता आपको अपने घर नहीं लेकर जा रहा आपको इज्जत नहीं दे रहा पुकार
विपरीत है, खराब है, आपकी परिस्थिति में सुख पुकारे मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, आपके घर में पुकारे बरकत नहीं है मेरे खुदा, मेरे खुदा, हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया तेरी आराधना मेरी पुकार को सुन ले, मेरी दुहाई को सुन ले, मेरी प्रार्थना को सुन ले, मुझ पर दया कर दे, मेरे परिवार पर दया करे, समय प्रभु की दया मांगे, परिवार पर दया मांगे, ओ यीशु दया कीजिए, थैंक यू जीसस, दया कर प्रभु इस समय मेरे भाई और बहनों पर दया कर, इनके आंसुओं को पोंछ ले प्रभु, इनकी दुख की घड़ी को दूर कर, इनकी परिस्थिति को हटा दे पिता, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, यीशु तू ही एकमात्र प्रभु है, ओ प्रभु दया कर, हर एक परिस्थिति को ठीक कर दे, यीशु परिवारों में बहुत झगड़ा है, लड़ाई है पति और पत्नी के बीच, प्रभु बातचीत नहीं है, पत्नी आंसू बहा रही है, पति आंसू बहा रहे हैं, कोई अपनी पत्नी के लिए परेशान है तो कोई अपने पति के लिए परेशान है, नशे से गलत रिश्ते में है, वो छोड़कर चले गए हैं, छोड़कर चली गई है, प्रभु दया कर परिवारों पर, परिवारों को परिवारों में शांति दे, परिवारों में एकता दे, ओ प्रभु तेरे प्यार को ले, तेरे प्यार को ले, प्रभु जो परिवार टूट रहे हैं, पत्नी अलग रहती है, पति अलग रहता है, दोनों अलग अलग हैं, ओ प्रभु तूने दोनों को जोड़ा, तेरा वचन कहता है जिससे ईश्वर ने जोड़ा उससे मनुष्य अलग नहीं कर सकता, मनुष्य को एक दूसरे को अलग कर रहे हैं, प्रभु दया कर इन परिवारों को जोड़, जो टूटे हुए हैं, जिन्होंने रो रो कर प्रार्थना मांगी है, जिन्होंने आंसू बहाते हुए प्रभु प्रार्थना के लिए कहा है, मेरे पति के लिए प्रार्थना करना, मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करना, प्रभु दोनों एक शरीर हैं, फिर भी अलग क्यों हैं, ओ प्रभु जोड़, जोड़ दे इनको, परिवारों के दुखों को मिटा, तोड़ दे बंधन, आज यीशु तेरे नाम पर बंधन टूटे, इन पति और पत्नियों में प्यार आए, बच्चे और माता पिता के बीच प्यार आए, बिखरे हुए परिवार फिर से एक हो जाए, टूटे हुए परिवार फिर से जुड़ जाए, नफरत दूर हो, आइए पवित्र आत्मा उतर आइए, परिवारों में उतर आइए, परिवारों पर छा जाइए, टूटे परिवारों को जोड़ दे, एक बना दे, नया बना दे, बदल दे, बदल दे, बदल दे, बदल दे, बदल, यीशु के नाम पर बदल जाए, जुड़ जाए, जुड़ जाए, उखड़ जाए, अंधकार की शक्तियां उखड़े, परिवारों से उखड़ जाए, नष्ट हो जाए इसी समय यीशु के नाम पर, हल्लिया 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 हल्लिया
बिगड़े कार्य बन जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते जाएं, स्तुति करते जाएं, प्रभु को पुकारते जाएं, प्रभु को पुकारते जाएं, मेरे खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। आंखों को बंद रखें, ईमानदारी से अपनी आंखों को बंद रखते हुए दिल की गहराई से प्रभु का दर्शन करें। बंद आंखों से प्रभु को देखें, उसे देखने की, उसे छूने की, उसे पाने की आशा रखें। अपने हृदय को उठाएं, अपने दिल को प्रभु के लिए खोलें, अपने हाथों को उठाएं। घुटना टेकना चाहते हैं, घुटना टेक कर प्रभु को पुकारें। इस समय जो रोना चाहते हैं, रोते हुए आंसू बहाते हुए प्रार्थना करें। किसी और के सामने रोने से अच्छा, किसी और के सामने आंसू बहाने से अच्छा, यीशु के सामने आंसू बहाना, यीशु के सामने रोना मेरी बहन, यीशु के सामने रोना मेरे भाई, यीशु के सामने रोना मेरे बच्चों। किसी के सामने मत रोना, कोई आपका रोना नहीं देखेगा, कोई आपके आंसुओं को नहीं पहुंच सकता सिवाय यीशु के। वो प्रभु ही है जो आपके दुख को मिटा देगा, वो प्रभु ही है जो आपके आंसुओं को पहुंच देगा, वो प्रभु ही है जो आपको शांति देगा, वो प्रभु ही है जो आपके टूटे परिवार को जोड़ देगा। प्रार्थना करें इस समय। प्रभु का वचन हमसे बताता है, राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 1-11 में, और ईसाईस नबी का ग्रंथ अध्याय 38 वाक्य 1-5 में लिखा हुआ है। एक बार हिजकिया इतना बीमार हो गया कि वे मरने को हो गया, और प्रभु नबी ईसाईस से ये कहते हैं कि हिजकिया के पास जाकर कहे, मेरा वचन, मेरी वाणी हिजकिया को बता, मेरा संदेश हिजकिया को जाकर के कहें कि प्रभु कहता है आपकी मृत्यु होने वाली है, आप अपनी बीमारी से अच्छे नहीं हो सकते, और अपने परिवार की समुचित व्यवस्था कीजिए। मेरे भाई मेरी बहन, हिजकिया बीमार पड़ गया, इतना बीमार हो गया कि वो ठीक नहीं हो सकता, और प्रभु भी ईश्वर भी हिजकिया के बारे में ईसाईस नबी को संदेश देकर के भेजते हैं, कहते हैं कि हिजकिया से जाके कहिए कि आप अब अच्छे नहीं हो सकते, अब आप ठीक नहीं हो सकते, लेकिन और अब आपकी मृत्यु हो जाएगी, और आप अपने परिवार की व्यवस्था कीजिए। यह बात सुनकर हिजकिया दीवार की ओर मुंह कर कर प्रभु से फूट फूट कर रोने लगा और प्रार्थना करने लगा। मेरे भाई मेरी बहन, जब ईसाईस ने हिजकिया से कहा, प्रभु की वाणी को बताया, ये बात सुनकर वो रोने लगा, फूट फूट कर रोया, दीवार की ओर मुंह किया, आंसू बहाए और प्रभु से प्रार्थना करता रहा। आंसू बहाते हुए प्रभु को याद दिलाता रहा, देख प्रभु मैं तेरे प्रति ईमानदार रहा, मैं तेरी सेवा करता रहा, तेरी वाणी तेरे वचन के अनुसार जिया। उससे कहा गया अपने परिवार की समुचित व्यवस्था कीजिए, उसने अपने परिवार की ओर नहीं देखा। यदि आज इस समय आकर प्रभु हमसे कहें कि आज रात को आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप नहीं बच पाओगे, मेरे प्रिय भाई और बहन, जब ये संदेश हमें मिलेगा और प्रभु हमसे कहेगा अपने परिवार की समुचित व्यवस्था कीजिए, तो हम क्या करते, जरा विचार करें।
जरा ध्यान दें, जरा सोचें, क्या हम अपने परिवार की व्यवस्था नहीं करने लगते? मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा? मेरा जो पैसा मैंने उधार दिया है अपने बच्चों को, बता दूं किसी को दे रखा है, फंसा है, जो कुछ भी प्रॉपर्टी है उस सब के बारे में बता दूं, कहीं ऐसा ना हो मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को ना मिले। हर एक चीज का प्रबंध और इंतजाम इंसान मरने से पहले करता, प्रभु ने जैसे कहा। हम संसारिक व्यक्ति हैं, हमारी सोच संसारिक है। यदि हम प्रभु से गहरे हैं, प्रभु में गहरे हैं, हमारे विश्वास की, हमारी आध्यात्मिकता की जड़ प्रभु में गहरी है, हमारा विश्वास प्रभु में गहरा है, हमारी प्रार्थना गहरी है, हम आत्मा के अनुसार जीते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं, तब हम प्रभु की आवाज को सुनेंगे, प्रभु की ओर हमारा ध्यान जाएगा, संसार की ओर नहीं। हिजकिय्याह की जड़ें प्रभु में गहरी थी, आध्यात्मिकता में गहरा था, प्रभु के साथ रिश्ता था, प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य को वो जानता था, प्रभु से लिपटा और लगाव रखने वाला व्यक्ति था। जब ये संदेश उसे मिला, उसने अपने पत्नी और बच्चों की ओर नहीं देखा, बल्कि दीवार की ओर मुंह। दीवार की ओर मुंह का मतलब है ईश्वर की ओर उसने देखा, उसने अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाई, आंसू बहाते हुए प्रभु को याद दिलाया और प्रार्थना की। किसी और के सामने, हिजकिय्याह इसाईस नबी के सामने भी रो सकता था, जैसे उसने संदेश दिया उसके सामने रो सकता था, कह सकता था मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं अच्छा हो जाऊं, मैं ना मरूं, प्रभु से कह दीजिए, प्रभु से मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मैं अच्छा हो जाऊं। उसने प्रभु की ओर देखी, प्रभु की ओर दृष्टि दौड़ाई और आंसू बहाते हुए रोया, प्रार्थना की और कहा, प्रभु तू जानता है मैंने तेरे साथ समय बिताया, जिया प्रार्थना की, प्रभु को वो सब कुछ याद दिलाया। उसकी प्रार्थना में, उसके आंसुओं में, उसके रोने की ताकत, उसके आंसुओं की गड़गड़ाहट ईश्वर के पास पहुंची। और वचन बताता है कि इसाईस नबी अभी हिजकिय्याह के घर के प्रांगण से निकला ही नहीं था कि ईश्वर ने उसके आंसुओं को देखा। आज मनुष्य के सामने रोता है, आज अपनी दर्द को, पीड़ा को इंसान के सामने बताता है, ईश्वर के सामने नहीं रखता। यही तो हमारी कमी है, यही तो एक दिक्कत है। हम संसार में भटकते हैं, संसार में सुख पाना चाहते हैं, संसार में शांति खोजते हैं, संसार में इलाज चाहते हैं। ओ, परिवार में टूटा हुआ है, पति और पत्नी के बीच झगड़ा है, पड़ोसी को बताते हैं, पड़ोसन को बताते हैं, मैं क्या करूं मेरे पति के लिए, मैं क्या करूं मेरे पति के लिए। लेकिन ईश्वर के पास आकर नहीं कहते। जिस दिन ईश्वर के पास आप आकर आंसू बहाओगे, रोगे, प्रभु आपके लिए चमत्कार करेगा, प्रभु आपके दुख को दूर करेगा। जैसे ही हिजकिय्याह ने प्रभु के सामने आंसू बहाए, वचन बताता है कि अभी वो प्रांगण से निकला ही नहीं था, उसकी आंसुओं का रोना ताकत, प्रार्थना की ताकत, पुकार इतनी तेज थी, ईश्वर तक पहुंच गई। और प्रभु ने फिर से नबी इसाईस को ये संदेश दिया, फिर से वाणी दी, कहा, नबी इसाईस जा, हिजकिय्याह से कह, मैंने उसके आंसू देखे हैं, मैंने उसका रोना सुन लिया है, मैंने उसकी प्रार्थना सुन ली है, जा उससे कह, उसे संदेश दे, उसे ढारस बंधा, वो ना रोए, वो विचलित ना हो, चिंता ना करे। मैंने उसकी उम्र को, जो मरने वाला था, जिसे मैंने संदेश दिया तुम नहीं बचोगे, उसी हिजकिय्याह की उम्र को अब मैंने 15 वर्ष बढ़ा दिया है। चमत्कार! आमीन। आज प्रभु आपसे कहता है, बेटे बेटी, मैंने तेरे दुख को दूर कर दिया है, मैं तेरे आंसुओं को पहुंचूंगा, मैं तेरे कर्ज को दूर कर दूंगा, मैं तेरे पति को फिर से वापस लौटा दूंगा, तुझसे प्यार करने वाला होगा, मैं तेरी पत्नी को फिर से वापस ले आऊंगा, वो तुझसे प्यार करने वाली होगी, घर में जो फूट है वो दूर हो जाएगी। ओ, तुम्हें संतान नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, आपको संतान प्रभु दे देगा, आज बंधन खोलेगा प्रभु।
आज आपकी बीमारी जो नहीं जा रही प्रभु दूर करेगा। प्रार्थना करें प्रभु से, हिजकिय्याह के समान प्रार्थना करें, हिजकिय्याह के समान आंसुओं को बहाएं। मेरी बहन मेरे भाई घुटने में आकर हाथों को उठाकर दिल की गहराई से प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरा हूँ, मुझे टूटने ना दे, बिखरने ना दे, मुझे निराश ना होने दे। तेरे पास जो आता है वो निराश नहीं होता, तेरे पास निराश होकर के तो आते हैं लेकिन खुश होकर के जाते हैं, उत्साह से होकर जाते हैं, उछलते हुए जाते हैं। मेरे प्रिय भी प्रिय स्वर्गीय पिता, तेरे ये बच्चे बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना में जुड़े हैं, कोई इनमें से निराश है, कोई आंसू बह रहा है, कोई रो रहा है, कोई अपने पति के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई अपनी पत्नी के लिए, कोई अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई अपने कर्ज के लिए, कोई अपने घर बनाने के लिए, कोई संतान के लिए, कोई बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। ओ प्रभु आज तू उनकी पुकार को सुन ले, तू उन पर दया दृष्टि कर जैसे तूने हिजकिय्याह की पुकार को सुना। ओ प्रभु इनकी भी पुकार को सुन ले, इनके घावों को भर दे प्रभु। प्रभु तूने इनका नाम अपनी हथेलियों में खोद रखा है, ये तेरे चुने हुए हैं प्रभु, ये तेरे बेटे और बेटियां हैं, इन पर तरस खा, इन पर दया कर, मैं तेरी दया इन पर मांगता हूँ। ओ अपने प्यारे बच्चों बेटे और बेटियों, मेरे भाई और बहन इस समय प्रभु की दया मांगे, प्रभु से दोनों हाथ उठा करके कहें, ये सुदया कीजिए, दया कीजिए, ताकि आपकी पुकार को सुनकर प्रभु रुक जाए और आपके यहाँ ठहर जाए, आपकी जिंदगी बदल जाए, आपका परिवार बदल जाए। वही बदल सकता है, उसके पास आए, उसके पास आए, उससे प्रार्थना करें, प्रार्थना करें इस समय, प्रार्थना करेंगे प्रभु इस समय। जिनका शरीर का आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा, इस समय उस बहन का शरीर का हिस्सा काम करने लगे, शरीर में बल आ जाए, शरीर में ताकत आ जाए, इसी समय यीशु के नाम पर। जिस बहन को संतान नहीं है, इसी समय बहन को संतान मिले, आज़ादी मिले, अच्छा स्वस्थ मिले, इसी समय यीशु के नाम पर इनके जीवन में कार्य हो। प्रभु कार्य कीजिए, प्रभु इनके जीवन को बदल दीजिए, प्रभु बदल दीजिए। जिन्हें बवासीर की समस्या है, यीशु के नाम पर ये बीमारी इसी समय उन्हें छोड़ करके जाए, चंगाई मिले इसी समय यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। परिवार में जो झगड़ा है, ओ प्रभु परिवार का झगड़ा दूर हो जाए इसी समय। भाई संजय निर्मल के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन्हें आशीष दे, उनके मन को बदल। प्रभु बहन समिता निर्मल के परिवार में शांति दे। प्रभु सोहनदास को इस समय चंगा कर प्रभु, चंगा कर प्रभु, उन्हें चंगा कर इस समय, उनकी बीमारी बवासीर से छुटकारा दे प्रभु। प्रभु भाई मनीष के पैरों में दर्द है 3 साल से, उसे दर्द से छुटकारा दे प्रभु। जय श्री, जो अपनी मम्मी के लिए प्रार्थना मांगती है, कर्ज से छुटकारा दे। दोनों बहनों को नॉर्मल डिलीवरी मिले, नानी की रीढ़ की हड्डी का दर्द ठीक हो। भाई दिनेश के कारोबार में आशीष आए इसी समय। भाई अशोक के जीवन में कार्य हो प्रभु, उनके पेट का दर्द ठीक हो प्रभु, पेट की समस्या ठीक हो, शरीर की सूजन जाती रहे इसी समय यीशु प्रभु के नाम पर। बहन सरस्वती को प्रभु का उनके शरीर में बल डाल प्रभु, शक्ति दे प्रभु। रमन प्रीत को प्रभु आशीष दे प्रभु, उनके अंदरूनी समस्या को दूर कर, अच्छा स्वास्थ्य दे। सिमरनजीत को प्रभु संतान का वरदान दे प्रभु, उनके गर्भ को आशीष दे। बलविंदर सिंह को प्रभु गलत रास्तों से बाहर निकाल प्रभु, छुटकारा दे प्रभु। इस समय मेरे भाई बहन जो प्रार्थना में जुड़े हैं, अपने अपने निवेदन प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, इन सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इन सबके जीवन में आशीष दे प्रभु, कृपा कर, दया कर प्रभु, भर दे अभिषेक से, भर दे प्रभु आशीषों से, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे। जीसस धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस। स्तुति करें, स्तुति करें, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेमी स्वर्गीय पिता, आपकी परम पवित्र उपस्थिति के लिए, प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु, मेरे इन भाई और बहनों को स्पर्श करने के लिए, चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, आज़ादी देने के लिए प्रभु, इनकी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका गहरा अभिषेक देने के लिए धन्यवाद प्रभु। वचन की शक्ति को अपने हम सबके जीवन में कार्य करने के लिए धन्यवाद। आपकी महान पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में देने के लिए धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु सारी महिमा सारा आदर हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम पर मानते हैं,
एक साथ ऊंची आवाज में कहेंगे, स्वीकार करते हुए बोले आमीन 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 आमीन। प्यारे भाई और बहनों, इस समय प्रभु को हमने पुकारा, प्रभु की दुहाई हमने दी, प्रभु को हमने अपनी तकलीफें अपनी दुख समस्याएं बताई और प्रभु ने उन समस्याओं को दुखों को कष्ट और पीड़ाओं को दूर किया। प्रभु की उपस्थिति से प्रभु ने हमें भर दिया, प्रभु ने अपने अभिषेक से हमें भर दिया है और अपनी तसल्ली भरी बातों से और अपने छिदे हुए हाथ को उसने हमारे ऊपर रख दिया। अपनी बातें अपनी तसल्ली उसने हमें दी है, उसने अपने मसा से अभिषेक से भरा और अपने लहू से हमें धो दिया है। उस प्रभु को धन्यवाद दें। प्यारे भाई और बहनों, मैंने आप सबके लिए प्रार्थना की है और विश्वास कीजिए बहुत जल्द ही प्रभु के नाम की गवाही आप देने जा रहे हैं, प्रभु के नाम को आप महिमान्वित करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी आपका बिगड़ा हुआ कार्य, बिगड़ा हुआ टूटा हुआ परिवार जुड़ जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु से लिपटे रहें, प्रार्थना करते रहें। प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। इस समय आप सब जो प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रार्थना देख रहे हैं, आप सबको धन्यवाद प्रतिदिन इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए। प्रभु जो आपको आशीष दे रहे हैं इस प्रार्थना के द्वारा, आपके जीवन में जो चिन्ह चमत्कार जो कार्य हो रहा है, आप उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और आप अपनी गवाही हमें फ़ोन करके दे सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूँगा, आप में से जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, प्रार्थना चाहिए, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8279997397। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, आप वहाँ से लेकर आप फ़ोन कर सकते हैं, अपना प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। यदि आप में से जो लोग कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कई लोग कई सारी बातें पूछते हैं, भैया डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया गया है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, काउंसलिंग भी कर सकते हैं। और इस प्रार्थना को अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर कीजिए, लोगों के पास भेजिए। मैं देखता हूँ ज़्यादातर परिवार बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, परिवारों में बहुत अशांति है, पत्नी और पत्नी के बीच झगड़ा है, नशा है, लड़ाई झगड़ा, अलग अलग रह रहे हैं। सबसे ज़्यादा यही प्रार्थना, नशे के लिए प्रार्थना करना, मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करना, पति के लिए प्रार्थना करना, अलग है, गलत रिश्ते में है और प्यार नहीं करता, मुझे छोड़ रहा है, सबसे ज़्यादा यही प्रार्थना। प्रार्थना करें अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, प्रभु ठीक करेगा। प्रिय भाई और बहनों, प्रतिदिन हमारे यूट्यूब चैनल पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में ये प्रार्थना रात 8:30 बजे लाइव आती है, आप इस प्रार्थना में जुड़ सकते हैं और दूसरे लोगों को भी ये प्रार्थना भेज सकते हैं, अपने रिश्तेदार, अपने आस पड़ोसी लोगों को जिन्हें प्रार्थना की ज़रूरत है, जिन्हें आप जानते हैं, जितने भी कॉन्टेक्ट आपके पास है आप उन्हें भेजें और सब्सक्राइब कर दें यदि आपने नहीं किया है। और जिन्हें आप प्रार्थना भेजते हैं उन्हें भी बोलें कि सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर रोज़ की प्रार्थना आपको मिल जाए। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना में भाग लें, पूरी प्रार्थना में भाग लें, देखें तभी प्रभु आपको आशीष देंगे। और प्रार्थना के बीच में फ़ोन करते हैं, 8:30 बजे से फ़ोन ना करें, उसके बाद ही फ़ोन करें। और आप हमारे लिए भी प्रिय भाई बहनों प्रार्थना करें और हमारे परिवार के लिए, प्रभु आप सबको, आपके परिवार, बच्चों को, आपके कामकाज को बहुत आशीष दे। हम लोग आपके लिए डेली निरंतर पसीना बहाते हुए इस गर्मी में आप देखते हैं जगह नहीं है, फिर भी परिस्थिति विपरीत है, ख़राब है, उसके बाद भी तंगी में, मुश्किल में, गर्मी में, छोटी सी जगह में खड़े होकर हम आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु हमें शक्ति दे और आप लोगों तक प्रभु का संदेश और वचन भेज सकें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू। कल फिर हम एक बार मिलेंगे 8:30 बजे, तो जुड़ जाइए प्रार्थना में। आप सबको जय यीशु।
प्रिय भाई और बहनों, आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा। कल का दिन विशेष दिन है हमारे लिए, कल हमारा जन्मदिन है, और आप मेरे लिए प्रार्थना करना, प्रभु मुझे अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, और मेरे परिवार के लिए, मेरे माता पिता के लिए जिनके द्वारा प्रभु ने मुझे इस संसार में भेजा, और प्रभु को धन्यवाद देना कि प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए, कार्य के लिए चुना। इतने साल से अपनी सेवा के लिए, कार्य के लिए मुझे इस्तेमाल कर रखा है और खड़ा किया है आप सबके लिए प्रार्थना करने के लिए। और प्रार्थना करना हमारे पत्नी के लिए, दोनों बच्चों के लिए। तो कल के दिन प्रार्थना में याद रखना, प्रार्थना करना, प्रभु आप सबको आशीष देंगे। यदि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके लिए प्रबंध करेगा, रास्ता खोलेगा।